हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मोहिनी एकादशी है, तो मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर मैं उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। आज यानी 19 मई को मोहिनी एकादशी है। इस दिन पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप किया है, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। ऐसे में मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो पापों से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। मोहिनी एकादशी व्रत का एक लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह व्रत अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम और अनुष्ठान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई यानी कि आज है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत व्यक्ति का शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत कथा विस्तार से जानते हैं। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति थे और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताते थे। उनके 5 बेटे थे, सुमन, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा दृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, मूढ़ और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की बहुत चिंता सताती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में ना सोचने का प्रण लिया। यह पता चलने के बाद भी उनके बेटे दृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान था और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वाले ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते दृष्ट बुद्धि मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत रखा। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक चला गया। और दूसरी कथा यह भी है, ये हुई पहली कथा। और दूसरी कथा यह भी है कि मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे
इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति ललायित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह है मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण। कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था। तो ये हुई हमारी मोहिनी एकादशी की कथा। और अगर आप इनकी आरती जानना चाहते हैं तो जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे वाला आरती जो है वो सुन सकते हैं और अपनी कथा को समाप्त कर सकते हैं। हमारी वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।